तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 बेस्ट फोरम वर्कआउट शेयर करूंगा जो आप अपना वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो, जो आपका फोरम ग्रो करने में हेल्प करेगा आपको। अगर आप अपना फोरम ठीक से ट्रेन नहीं करते हो तो आपका आर्म साइज ठीक से ग्रो नहीं होगा, ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप बाइसेप के दिन बहुत ज़्यादा हैवी वेट से ट्रेन करते हो और आपका फोरम ठीक से ट्रेन नहीं होता है तो आपका फोरम में पेन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप अपना फोरम ठीक से ट्रेन करते हो तो उसका बहुत बड़ा एडवांटेजेस यह है कि अगर आपका फोरम ठीक से ग्रो हो गया है, आपका ओवरऑल जो आर्म साइज है बहुत बड़ा दिखता है। ठीक है, जिस भी दिन आप लोग बाइसेप वर्कआउट करते हो उस दिन आप इन वर्कआउट को अपना वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, बाइसेप ट्रेन करने से पहले आप तीनों एक्सरसाइज कर लो, फिर आप बाइसेप वर्कआउट करो। बहुत अच्छा पंप मिलता है बाइसेप में और आप हेवी वेट से वर्कआउट कर पाओगे। तो इस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाला है वो है डंबल फोरआर्म ट्विस्ट, 3-4 सेट्स विथ 30-40 रिपीटेशन। ठीक है, ज्यादा होता तो बहुत अच्छा है बट 30-40 रिपीटेशन मैंडेटरी है। नेक्स्ट सेकंड एक्सरसाइज है हमारा बारबेल फोरआर्म कर्ल, 3-4 सेट्स 15-20 रिपीटेशन। हेवी वेट आपको नहीं लेना है, लाइट वेट लेना है ताकि आपका 15-20 रिपीटेशन आराम से हो सके। नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज है हमारा बारबेल रिवर्स कर्ल, 3 सेट्स ऑफ 12-15 रिपीटेशन। इसमें भी आपको ज्यादा हेवी वेट नहीं लेना है, इतना वेट लेना है जो कि आपका 12-15 रिपीटेशन आराम से हो सके।